इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के डाक टिकट हटाए जाने के को लेकर कांग्रेस ने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी संचार भवन के ठीक सामने। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के डाक टिकट को हटाए जाने के फैसले को लेकर ये महिला विंग यहां पर उतरा है और संचार भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। कुमार, किस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कुछ रणनीति आगे कांग्रेस की है बताएं। देखिए, फ्लैश मॉब प्रोटेस्ट है ये, जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। पुलिस या कह लें कि संचार भवन के बाहर जो सुरक्षा कर्मी है, सीआईएसएफ के जवान है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक 150 से 200 महिलाएं सीधे संचार भवन के गेट पर आकर नारेबाजी करने लगी और हाथ में उनके प्ले कार्ड हैं, इंदिरा गांधी राजीव गांधी के तस्वीरों वाले डाक टिकट जो सरकार ने विड्रॉ किए हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और बाद में पुलिस को इसकी जानकारी मिली, अब पुलिस बल यहां पर पहुंचा है और सीआईएसएफ के लोगों ने महिला कांग्रेस को घेर लिया है। लेकिन फिर भी संचार भवन के बाहर इस वक्त भी लगातार प्रदर्शन महिला कांग्रेस का जारी है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के तस्वीरों वाले डाक टिकट को क्यों आखिर सरकार ने विड्रॉ किया। बिल्कुल, आनंद शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल तमाम उठाए थे, जिस पर सरकार ने भी पलटवार किया, लेकिन विरोध के स्वर यहां पर कांग्रेस की तरफ से और बुलंद होते हुए। शुक्रिया विक्रांत आपका हमें जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।